धर्म परिवर्तन लोग बोलते हैं, धर्म परिवर्तन होता ही नहीं है, ये मन परिवर्तन होता है। मसीह लोगों के हमेशा सताए जा रहे हैं, उनको चर्च को तोड़ा जा रहा है, प्रार्थना भवनों को तोड़ा जा रहा है। जब कोई मर जाते हैं तो अपने निजी जीवन में भी उसको लाश को गाड़ने नहीं दिया जा रहा है। अब ये ऐसे चुपचाप नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सही समाज खतरे में नहीं, अब वो समाज लोग खतरे में होने वाला है जो हमारे खिलाफ में, मसीह के खिलाफ में खड़ा होता है। हमारे साथ कोई पार्टी नहीं है, प्रभु पर भरोसा हम लोगों का। छत्तीसगढ़ में वर्ग संघर्ष बढ़ते जा रहा है, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये नवा रायपुर का धरना स्थल है जहां बस्तर संभाग से ईसाई समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जहां युवा भी मौजूद हैं, महिलाएं भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। ये तस्वीर में देख सकते हैं बस्तर संभाग से आखिर इतने बड़ी संख्या में लोग क्यों पहुंचे हैं, लोगों से भी बातचीत करेंगे। आप लोग बस्तर से यहां पहुंचे हैं, क्यों जरूरत पड़ी आप लोगों को आने की? देखिए बस्तर से पहुंचे क्यों जरूरत पड़ी आने के लिए, बहुत ही एक अच्छा प्रश्न आपने किया है कि जरूरत क्यों आन पड़ी। आज आप बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में जो हालात देखेंगे, यहाँ पर उक्त लोग या उक्त संगठन के लोग समझते हैं कि देश उनकी दादागिरी से चलेगा, छत्तीसगढ़ बस्तर उनकी दादागिरी से चलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, भारत देश का हर राज्य, हर गांव, हर ब्लॉक बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है, किसी के तानाशाही, किसी के तालिबानी फरमान से नहीं चलता। और आज यही जरूरत आन पड़ी है कि आज हमको बस्तर से 350 किलोमीटर का सफर करके आना पड़ा। पूछना चाह रहा हूँ, आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, तो क्या लगता है किनको वोट करेंगे आप? अपने ही खुद का जो प्रत्याशी है उनका खड़ा करना चाह रहे हैं, अपना मसीह समाज का जो पदाधिकारी हम उसको खड़ा करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ही खड़ा करेंगे, पूरे देश भर में? पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। मसीह समाज अलग से अपना पार्टी बनाएगा? अपना बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस भी हमारे खिलाफ, हम जब हमारे विरुद्ध काम हो रहा है तो हमको नहीं, कुछ हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और बीजेपी वाले भी हम, वो तो हमारे ऊपर ही चढ़ रहे हैं, तो अपना खुद का हम ही करेंगे और पदाधिकारी खड़ा करेंगे और जितना हो सकेगा हम उसके लिए काम करेंगे। और प्रार्थना भवनों को तोड़ा जा रहा है, जब कोई मर जाते हैं तो अपने निजी जीवन में भी उसको लाश को गाड़ने नहीं दिया जा रहा है, तो ये हमारा अधिकार है ये, और ये अधिकार हमको नहीं मिल रहा है। तो हमारी मांग सरकार से यही है, किसको वोट करेंगे? वोट के लिए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते, जो जो व्यक्ति हमारे हित के लिए काम करने के लिए वायदा करते हैं, या इस समय जैसे हम एकत्रित हुए हैं, इस बीच में कोई यदि हमारा साथ देता है, हम उसी को वोट करेंगे, है ना। अभी देखिए संविधान का जो हमारा हक है, वो हमारा हक का हनन किया जा रहा है, यहाँ पूरे हर राज्य में, हर जिला में, हर जगह में परेशान किया जा रहा है। ये परेशानियों को रोकने के लिए कोई भी दल, कोई भी पार्टी, कोई भी विशेष करके लोग साथ देते हैं, हम उनको वोट करेंगे, या तो हम खुद अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। खड़ा करेंगे आप लोग? खड़ा करेंगे हमारे मसीह समाज के लोग छत्तीसगढ़ में सभी सीटों में करेंगे कि एक ही सीट में करेंगे? नहीं, यहाँ इसमें नहीं तो फिर अगला में करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। अब ये ऐसे चुपचाप नहीं रहने वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सुनने को मिलता है कि अंतिम संस्कार के लिए जगह भी नहीं मिलता आप लोग? नहीं, हमको मृत्यु होने से ना हमको दफना भी नहीं देते हैं, दफनाने भी नहीं देते हैं, हमको तकलीफ होता है, हमको अधिकार चाहिए, हमको दफनाने के लिए आते हैं, न्याय चाहते हैं। क्या चीज का न्याय चाहते हैं? हम लोग मतलब मृत्यु होने से दफनाने नहीं देते हैं, गाँव से फसल काट के ले जाते हैं, और जहाँ गांव में भी रहने नहीं देते, अभी भगाएंगे बोलते हैं। आप लोग जिस तरीके से स्थिति में आए हैं, क्या लग रहा है, ईसाई धर्म खतरे में है क्या? हाँ, खतरे में, बहुत खतरे में। हम लोग को भी संविधान उतना ही जीने का हक है भारत में। हमारे साथ कोई पार्टी नहीं है, प्रभु पर भरोसा हम लोगों का। प्रभु करती है, प्रभु है सुरक्षा देने वाला। मतलब आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, किस पार्टी को चुनेंगे आप लोग?
पार्टी की बात तो ठीक है, देखेंगे उसके चुनाव के लिए, लेकिन जो हमारी जो लोग मसीलों का संरक्षण करेंगे, उनकी सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे, उनकी सुनेंगे, उसको हम वोट देंगे। ईसाई समाज खतरे में है क्या? ईसाई समाज खतरे में नहीं, अब वो समाज लोग खतरे में होने वाला है जो हमारे खिलाफ में, मसीह के खिलाफ में खड़ा होता है। क्या करने वाले हैं आप लोग? हम लोग बस धरना देने वाले हैं, ज्ञापन सौंपने वाले हैं, सारा काम खुदा करने वाला है, जो भी रिजल्ट देगा परमेश्वर देगा। रायपुर आप लोग आए हैं, आखिर क्यों आप लोगों को आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि हमारे चर्च में मारपीट हो रही है, हमारे सब ईसाई धर्म को छीना जा रहा है, इसलिए। क्या ईसाई धर्म खतरे में है क्या छत्तीसगढ़ में? हाँ, खतरे में है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए हम लोग उस ईसाई धर्म को वापस लाना चाहते हैं। और जो भी सरकारी कार्य हो रहे हैं, हमारे ईसाई धर्म को नहीं लिया जा रहा है, इसलिए। क्यों जरूरत पड़ी आप लोगों को रायपुर आने की? क्योंकि हमारे यहाँ सताव हो रही है, इसलिए। क्योंकि मसीह लोगों के हमेशा सताए जा रहे हैं, उनको चर्च को तोड़ा जा रहा है, मसीह लोगों को समाज से निकाला जा रहा है, मसीह लोग दर दर जंगल में भटक रहे हैं। तो हमें ये सब से हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, हमें भी बाकी लोगों के जैसे हमें भी रहना है, हमें भी अपना अधिकार लेना है। अगर ये लोग नहीं जगे जिस मांग को लेकर आप लोग पहुंचे, तो आगे आप लोग का क्या स्टैंड रहने वाला है? अच्छा सवाल है, अगर यह लोग नहीं जगे तो आगे हम क्या करेंगे? मैं क्या करूँगा नहीं है, हम सब राज्य के हर जिलों में इसी प्रकार से इकट्ठा होकर के अपने न्याय हक अधिकार की मांग करेंगे, तब तक जब तक ये लोग हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुरक्षा ना कर ले। तो आपने सुना, तमाम जो बस्तर के लोग पहुंचे उनका यही कहना है कि जो जिस तरीके से जो उन लोग का मांग है, अगर पूरा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में और भी वो लोग प्रदर्शन करने वाले। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार इन लोगों की मांग को पूरा करती है। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ हुमन साहू, विस्तार न्यूज़, नवा रायपुर।